कल हमारी बैठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक जी आए थे और उनके पदाधिकारी टीम भी आई हुई थी, और हम लोगों ने यहाँ पर आयोग में बैठक करके और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सीटेट जुलाई के अभ्यर्थी जो होंगे, अपियरिंग मतलब जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको मौका दिया जाए और उनको मौका दिया जाएगा। और ये अधिसूचना निर्गत हो गई है और इसीलिए मैं इसकी घोषणा भी कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने साफ सामने आके कह दिया है कि जितने भी सीटेट वाले हैं, सीटेट वाले जो जुलाई अपियरिंग वाले हैं, उनको कह रहे हैं कि आप परीक्षा दे सकते हैं। जितने भी लोग कंफ्यूज थे कि वो परीक्षा दे सकते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम या नहीं दे सकते, देखिए अतुल प्रसाद सामने आके सारी बातें कह रहे हैं कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहे थे। और जो लोग मूर्खता कर रहे हैं, जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वो इस वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि अतुल प्रसाद सामने आके बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी बातें बताई हैं। और अगस्त में जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में कह रहे हैं, सीटेट जुलाई अपियरिंग वालों के बारे में कह रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में बोल रहे हैं। साफ कह रहे हैं अतुल प्रसाद की किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्या कुछ कह रहे हैं अतुल प्रसाद, आप वो सुनिए। उसमें मैंने जो उदाहरण भी जो दिया था वो मैंने बीएड का दिया था कि बीएड की अगर कोई परीक्षा अगर लंबित है, जिसका या परीक्षा हो गई है या परीक्षा फल लंबित है और परीक्षा नहीं हुई है, दोनों ही स्थिति में वो हमें 31 अगस्त तक का उसका समय दिया जाएगा। कहीं पर भी हमने ये नहीं कहा था कि पात्रता संबंधी परीक्षा के लिए ये लागू होगा। मैंने ये कहा था अर्हता संबंधी परीक्षा के लिए, और ये कुछ सोच समझ करके ही कहा गया था। ये नहीं कि मैं पात्रता संबंधी परीक्षा को के लिए नहीं ये छूट देना चाहता था। मैं छूट तो मैं सबके लिए देना चाहता हूँ, लेकिन छूट देने का अधिकार जो है वो सरकार का है, बिना सरकार की अनुमति के उसकी कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। और इसीलिए मैंने अर्हता संबंधी कोई भी परीक्षा के लिए ये घोषणा किया था। कुछ नासमझ लोग अपनी नासमझी में या अति उत्साह में आकर के इसको ये लोग पात्रता संबंधी परीक्षा पर भी मान बैठे। अब उनकी ये नासमझी या अति उत्सुकता को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कठिनाई उससे नहीं है। कठिनाई यह है कि उसके कारण ऐसे अफवाह या ऐसे गलत, मतलब उसका समझदारी से गलत समझ करके उसको, जो सब लोगों ने एक भ्रामक न्यूज दे दिया सबको, तो इससे एक माहौल खराब हुआ। वहां भी उसको भी लोग समझ सकते हैं उस सब बातों को, लेकिन उसमें सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे नासमझ लोग जो कल को हो सकता है कि राज्य कर्मी भी बन जाए, अभ्यर्थी होंगे इसके भी, और वो अपमानजनक शब्द, ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करने लगे और मुझे कॉल भी करने लगे कि आपने तो कहा था ऐसा। ऐसे आचरण करने वाले जो नासमझ या अति उत्साही व्यक्ति हैं, अगर ऐसे राज्यकर्मी अगर हो जाएंगे, क्या राज्यकर्मी के लिए ऐसा आचरण मान्य होगा, स्वीकार्य होगा? नहीं स्वीकार्य। ऐसे अगर राज्यकर्मी अगर होते जो इस तरह का आचरण संवैधानिक संस्था के ऊपर, संवैधानिक पदाधिकारियों के ऊपर इस तरह का आरोप, गलत आरोप और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, उनसे जवाब सवाल करना गलत समझ करके या अपनी नासमझी में करके ऐसा मिसकंडक्ट जो करते हैं कोई सरकारी कर्मचारी, तो उनको उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है। तो क्या अगर राज्यकर्मी को की अगर बर्खास्तगी हो सकती है ऐसे मामलों में, तो क्या अभ्यर्थी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है या नहीं होनी चाहिए? जो इस तरह नासमझी अपनी ओर की एक बात होती है, लेकिन उसके कारण से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, उपहास करना, लांछन लगाना, मिथ्या, ये उनके चरित्र बतलाता है, जो कि सरकारी कर्मचारी होने के लिए उपयुक्त चरित्र नहीं है ये। और हो सकता है कि इसकी खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़े जो ऐसे ऐसे जो
ना समझ लोग अपने अति उत्साह में आ करके अनाप शनाप इस तरह की बात किए हैं। ये तो मैंने अपने उस पिछले पीसी के बारे में बताया उसके संदर्भ में कि मैंने अर्हता संबंधी घोषणा किया था, अर्हता संबंधी परीक्षा के लिए, पात्रता संबंधी परीक्षा के लिए नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं पात्रता संबंधी परीक्षा के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देना चाहता था। मौका जरूर देना चाहता था, लेकिन उसका निर्णय राज्य सरकार को ही करना था, और जब तक राज्य सरकार उसकी घोषणा नहीं कर देती है तब तक उसको ऐसा मौका मेरे स्तर से देना संभव नहीं है। मैं चाह करके भी वैसा मौका नहीं दे सकता। कल हमारी बैठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक जी आए थे और उनके पदाधिकारी टीम भी आई हुई थी, और हम लोगों ने यहाँ पर आयोग में बैठक करके और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि सीटेट जुलाई के अभ्यर्थी जो होंगे, अपियरिंग मतलब जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको मौका दिया जाए और उनको मौका दिया जाएगा। और ये अधिसूचना निर्गत हो गई है और इसीलिए मैं इसकी घोषणा भी कर रहा हूँ। दूसरी बात कि यह परीक्षा जो है ये 20 अगस्त को होने वाली है, और हमारी परीक्षा टीआरई की जो परीक्षा है वो पूर्व से घोषित है 19, 20 और 26, 27। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि अगर सीटेट अभ्यर्थी को अगर मैं अपनी सीटेट की परीक्षा अगर 20 तारीख को देंगे और हमारी परीक्षा भी अगर 20 तारीख को है तो फिर से एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। और चूंकि वो सीटेट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, इसलिए मैं अपनी परीक्षा को तिथि में थोड़ा परिवर्तन करूँगा, और ये परिवर्तन करके मैं उसको 4 दिन लगातार कर दूंगा। मतलब कि जो अभी 26-27 है, 19, 20 और 26, 27 है, तो उसको बदल करके 24, 25, 26, 27 4 दिन लगातार वो परीक्षा हो जाएगा, जिससे कि किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। और जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है, मेरे विज्ञापन में भी निकला हुआ है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाएगी तो मैं 2 शिफ्ट में परीक्षा लूँगा, उसकी बाध्यता हो जाएगी। और वैसी स्थिति में हमारा प्रयास रहेगा कि इन्हीं 4 तिथियों में, मतलब 24, 25, 26, 27, इन्हीं 4 तिथियों में मैं प्रथम शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में करके, मैं प्रथम पाली और द्वितीय पाली करके दोनों शिफ्ट की परीक्षा इन्हीं 4 दिनों में कर लूँगा, अगर अभ्यर्थियों की संख्या जो एक सर्टेन सीमा जो हमारी कैपेसिटी है आवासन की जो क्षमता है उसके से ज़्यादा अगर होगा तो मैं ऐसा कर लूँगा। इसके अतिरिक्त और भी लोगों की जो थी मांग थी अभ्यर्थियों की, उसके उन पर भी कुछ बिंदुओं पर हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु यह है कि इंटीग्रेटेड बीएड के अभ्यर्थी जो होंगे, बीएड के अभ्यर्थियों के लिए तो हम लोगों ने पहले भी वो दे रखा था, इंटीग्रेटेड बीएड में चूंकि बीएड के साथ साथ उनका ग्रेजुएशन की डिग्री भी दोनों एक साथ मिलेगा, और पूर्व में ग्रेजुएशन की डिग्री पर शिक्षा विभाग की तरफ से उसकी कोई मतलब क्लैरिटी नहीं आया था, इसलिए वो मामला रुका हुआ था। अब उसका भी क्लैरिटी आ गया है और इंटीग्रेटेड बीएड वालों को भी मौका दिया जाएगा, मतलब जो अपियरिंग कैंडिडेट है इंटीग्रेटेड बीएड के, उनको भी मौका दिया जाएगा। अब ये जो बातें हैं कि जो शिक्षा विभाग ने जो निकाला है अधिसूचना, कि उसका परीक्षा फल आयोग के द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व में होना चाहिए, ये पहले भी था और अभी भी है और सभी मामलों में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आयोग के द्वारा निर्धारित तिथि 31 अगस्त परीक्षा फल के लिए नहीं है। 31 अगस्त जो है वो आयोग के द्वारा निर्धारित की गई ये तिथि जो है, ये भी शिक्षा विभाग के साथ परामर्श करके ही ये तिथि निकाली गई है, ये परीक्षा देने की, क्योंकि ये अनुमान लगाया जाता है। और जैसा कल हम लोगों ने पूछा भी, सीटेट के भी पदाधिकारी आए थे, उनसे भी पूछा कि आपकी जो परीक्षा 20 अगस्त को होगी तो उसका परीक्षा फल आप कितने समय में दे सकते, तो उन्होंने बताया, अपना एक समय बताया। तो हमने देखा है कि हमारा भी परीक्षा फल जो है वो
उसी के आसपास या उसके बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। इसलिए हम लोग 31 अगस्त का जो डेट रखे हुए हैं वो परीक्षा में अपीयर होने का डेट है। तो सीटेट के परीक्षार्थी जो 20 तारीख को 20 अगस्त को जो परीक्षा देंगे वो आराम से दे सकते हैं, और तैयारी की परीक्षा भी वो 24 25 26 27 को दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि उनका परीक्षा फल जो हमारे अपनी परीक्षा फल आने के पहले वो आ चुका रहेगा, इसलिए उनको उसके उस कट ऑफ तिथि से उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका निर्धारण अभी हुआ भी नहीं है। और वो मैं तब करूंगा जब मेरा अपना परीक्षा फल जब तैयार हो जाएगा तभी हो पाएगा वो, उसके पहले उनका आ जाना चाहिए, हमारे परीक्षा फल के निकलने के पहले उनका आ जाना चाहिए। उसकी तिथि का निर्धारण मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी उससे वो प्रभावित नहीं होंगे और वो आराम से दे सकते हैं। तो आपने सुन लिया कि चेयरमैन बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कह दिया है कि सीटेट जुलाई अपियरिंग वालों को, स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको तो पता ही है कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कैसे परीक्षा देना है। तो देखिए अतुल प्रसाद ने सामने आके सारी बातें कह दी। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।